हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब ठीक होंगे। आज फिर से एक बार शोले फिल्म का एक व्लॉग मैं बना रहा हूँ, जिसमें हम सिर्फ शोले फिल्म के बारे में डिस्कस करेंगे। कोई शूटिंग लोकेशन नहीं है। कहीं आप लोग सोचो कि भाई ये तो नीरज भाई सड़कों पे घूम रहा है, यहाँ शोले पिक्चर कहाँ बनी थी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं शोले लोकेशन पे जाऊँगा तो शोले लोकेशन ही लिखूँगा अपने टाइटल में। तो शोले फिल्म के बारे में हम बात करेंगे। फिल्म के स्टार्टिंग में दोस्तों, स्टार्टिंग से पहले मैं आपको बता दूँ कि दोस्तों, नीरज कुमार व्लॉग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं बार बार ये चीज़ नहीं बोलता कि हर वीडियो में स्वागत है स्वागत है, आप लोग बोर हो जाओगे। तो दोस्तों, फिल्म जब शुरू होती है तो कास्टिंग इतनी अच्छी होती है फिल्म की, उस कास्टिंग से पहले एक ट्रेन आती है, ट्रेन में से एक पुलिस वाला उतरता है, इंस्पेक्टर होता है क्या होता है ये मुझे नहीं पता। वो पुलिस वाला उतरता है तो जो स्टेशन होता है, स्टेशन के ऊपर हेडक्वार्टर बना रखा था, छोटा सा बना के रखा था ही उस टाइम, वो नेचुरल बिल्कुल, और आसपास में मिट्टी के ढेर थे, बालू मिट्टी के ढेर दिखाई आपको देंगे और पहाड़ दिखाई देंगे। तो वहाँ पर ठाकुर का नौकर खड़ा होता है और वो उनका कुछ सामान लेकर उनकी मतलब रिस्पेक्ट करता है, और उनके पास एक घोड़ा होता है, उस घोड़े पर वो सवार हो जाते हैं, अलग अलग घोड़ों पे दोनों, और वहीं से फिल्म की कास्टिंग शुरू होती है। कास्टिंग इतनी अच्छी होती है दोस्तों, बिल्कुल एकदम शांत माहौल। आज गर्मी ज़्यादा हो रही है दोनों साइड से ना, शीशे बंद कर लिए मैंने और आज बहुत गर्मी लग रही है। तो कास्टिंग दिखाई जाती है रामगढ़ के अंदर से उनके घोड़े होते हुए, और रामगढ़ से थोड़ा सा आगे पहाड़ी पर ठाकुर का घर था, करीब वहाँ से 300 या 400 मीटर होगा ठाकुर का घर। पहले रामगढ़ गांव आता है, मस्जिद आती है, और उसके बाद आगे चलते हैं थोड़ी सी चढ़ाई पे पहाड़ के ऊपर, वहाँ ठाकुर का गजब का मकान होता है भाई। उसी मकान में उनके घोड़े दोनों के आकर रुकते हैं, ठाकुर का जो नौकर होता है वो और जो इंस्पेक्टर होते हैं वो दोनों आके घोड़े खड़े कर देते हैं और ठाकुर के पास आते हैं। ठाकुर का घर लाल रंग की छत होती है और काफ़ी बढ़िया घर होता है, देखने में बड़ा अच्छा लगता है। पीछे पहाड़ियाँ होती हैं ऊंची ऊंची, और उनके बीच में एक अलग जगह पे ठाकुर का घर बनाया गया था। सिक्योरिटी वाइज ठीक नहीं था, क्योंकि वहाँ कोई गार्ड भी नहीं थे जो ठाकुर की फैमिली को बचाए या इस तरह से कोई, सिक्योरिटी वाइज वो जगह ठीक नहीं थी, जबकि वो डाकुओं का एरिया था। और ठाकुर को ऐसी जगह पर घर देना ठीक नहीं लगा। तो दोस्तों, वहीं पर अंदर पुलिस वाला एंटर करता है, और एंटर करने के बाद तो ठाकुर उनसे कहते हैं, अपने नौकर से बोलते हैं कि इशारा करते हैं वो चीज़ लेके आओ। तो वो ठाकुर का नौकर जो होता है वो एक फ़ोटो लेके आता है, और वो फ़ोटो उस पुलिस वाले के हाथ में दे देते हैं। तो पुलिस वाला देखते ही चौंक जाता है और कहता है, ठाकुर ये दोनों ये तो चोर उचक्के हैं, ये क्या मदद करेंगे आपकी। तो पुलिस वाला कहता है कि ये तो छोटे मोटे चोर हैं, ये कहाँ गब्बर को पकड़ पाएंगे, गब्बर पे 50,000 का इनाम है, वो बहुत बड़ा डाकू है। तो ठाकुर कहता है, नहीं मैंने इन दोनों को देखा था और ये जो है काफ़ी बहादुर हैं, और गब्बर को पकड़ने में ये मेरी काफ़ी मदद करेंगे। लेकिन पुलिस वाला फिर भी कहता कि नहीं ये किसी काम के नहीं है, ये तो एकदम छोटे मोटे चोर चक्के हैं, इन पर तो 2,000 का इनाम मुश्किल से होता है। ठाकुर कहते हैं कि लोहा लोहे को काटता है, गब्बर सिंह को पकड़ने के लिए ये तो लोग काफ़ी हैं, इनका पता करो ये कौन सी जेल में कहाँ बंद है। पुलिस वाला बताता है कि ये उस जेल में है और मैं पता करता हूँ कि ये कब छूटेंगे। तो इस तरह की कुछ बातचीत वहाँ होती है दोस्तों।
लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा हो जाता है कि एक पुलिस वाले को बुलाकर और किसी डाकू को पकड़ने के लिए किसी चोर उचक्कों का सहारा लेना, यानी ये सामने कानून की एकदम बेइज्जती है कि सामने पुलिस वाला खड़ा है और उससे हम कह रहे हैं कि डाकू को पकड़ने के लिए हमें दो चोर चाहिए। दोस्तों, अगर वो चोर अमिताभ बच्चन, आप लोग थोड़ा सा सोच के देखिए, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र ना होते, कोई और दो नए चेहरे ला दिए होते, तो इस तरह की बातें लोगों के मन में उसी टाइम उठ जाती कि क्या कानून पे भरोसा नहीं है जो ये चोर उचक्के पकड़ेंगे गब्बर को। क्योंकि दर्शकों के मन में धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के लिए अलग ही जगह थी, इसलिए दर्शकों ने इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। तो दोस्तों, इसी छोटे से ब्लॉग में बस आपके साथ ये कुछ बातें मैंने शेयर की। पिक्चर के शुरू की कास्टिंग का जो सीन होता है उसी के आसपास के ये सीन मैंने जगह जगह स्क्रीनशॉट लगाए हैं ताकि आप लोग फिल्म को महसूस कर सकें एक बार फिर से, इतनी अच्छी ऐतिहासिक फिल्म, उसको याद कर सकें। और फिल्म के साथ इसी तरह की मैं छेड़खानी करता रहूँगा छोटी मोटी, और इसका मतलब ये नहीं है कि संजीव कुमार सर उनमें कोई कमी है। संजीव कुमार सर बहुत ही अच्छे एक्टर थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है, हम उन्हें बहुत याद करते हैं और उनका अभिनय बहुत ही सराहनीय होता था। ये उस दौर की पिक्चर है दोस्तों, जब संजीव कुमार सर की पिक्चर जो है टीवी में आती थी, और आपको याद होगा कि वो गाना भी आता था कई बार, वो ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, इस तरह की फिल्मों में वो टीवी में आते थे। लेकिन ये शोले पिक्चर ऐसी बनी कि वो टीवी से जुदा ही हो गए, क्योंकि ये फिल्म बनने से कम 20 साल बाद टीवी पे आई है। तो दोस्तों, आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट और शेयर करके बताना। ठीक है दोस्तों, अभी मैं इस ब्लॉग से लेता हूँ विदा। नमस्कार दोस्तों, राम राम दोस्तों।